तो भाई डब्ल्यू डब्ल्यू में बहुत सारे सिग्नेचर मूव्स है, बहुत सारे फिनिशिंग मूव्स है, और हाँ जब भी डब्ल्यू डब्ल्यू की जो भी ऑडियंस है ना, फिर पूरी जो प्रो रेसलिंग की ऑडियंस है, वो सिर्फ दो तरीके के, जो भी इसके लिए एक फिनिशर को देखते और कहती है भाई नहीं यार ये वाली जो मूव है ना ये हमें अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि कैमरा एंगल्स है, लेकिन एक्चुअल में उस बंदे को नहीं लगी है। दूसरे तरीके की ऑडियंस है जो कहती है भाई नहीं यार उस बंदे को सच में हर्ट हुई है। और मैं आपको बता दूं ऐसी है मूव्स जो कि जिसे आप कैमरा एंगल की मदद से डेंजरस दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल पंट किक है, फॉर एग्जांपल बिग बूट है, वो हमें लगता है भाई बहुत डेंजरस है, लेकिन हाँ कैमरा एंगल्स की मदद से उसे डेंजरस दिखाया जा सकता है। और हमारे पास ये प्रूव्स भी आए कि किस तरीके से वो मूव इतने डेंजरस नहीं थी। लेकिन आज हम बात करेंगे उन मूव्स के ऊपर जो एक्चुअल में बंदे को हर्ट करती हैं। उस मूव को लगाते हुए आप कैमरा एंगल बदलो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन हाँ उस मूव का इंपैक्ट आएगा, उस मूव के सीरियस कंकशंस आ सकते हैं जो कि हमारे सामने आए हैं। तो भाई ये वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले, आप वीडियो को आप एंड तक देखो, आराम से बैठो भाई, पॉपकॉर्न उठा लो, कोक उठा लो, जो उठाना भाई उठाओ, आराम से बैठो भाई, पीछे टेक लगा के और आराम से देखो वीडियो को। चैनल को आप सपोर्ट करना चाहते हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिल गई, ऐसा बहुत सारा ओजी कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो सातवें नंबर पे आती है ब्रो किक। अब देखो भाई ब्रो किक ऐसी मूव है जिससे हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वाली मूव सामने वाले बंदे का मुंह तोड़ देने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है जब शेमस वो वाली मूव लगाते हुए ना भाई उन्हें पता है, उनको पता है अगर इस वाली मूव का इंपैक्ट नहीं आया कोई भी व्यूअर इस वाली मूव को देखने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो एक्चुअली मुझे लगता है वो स्पेशली ध्यान से देख के उस मूव को लगाते हैं जिससे वो उसका इंपैक्ट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप बंदे को ना लगे, इसलिए मेरे ख्याल से वो प्रोफेशनल रेसलर हैं, इसलिए उन्हें प्रोफेशनल रेसलर कहा जाता है। लेकिन भाई उस मूव से हमें पता भाई रिडल का मुंह टूट गया था बेसिकली रॉक एक एपिसोड पे, जब रिडल बेसिकली यहाँ पे बेसिकली उन्होंने मूव शॉट मारी या फिर कुछ तो ऐसी मूव मारी उसका रिवर्स करते हुए जब शेमस ने ब्रो किक लगाया तो उनके जो जॉस है उनका पूरा खून आने लगा था, उनका जॉ टूटने को आ गया था। तो भाई इस वाली मूव के सीरियस कंसीक्वेंसेस हैं, ये वाली मूव एक्चुअली में भाई बंदे का मुंह तोड़ सकती है। और भाई मैं आपको एक चीज बता दूं, इस वाली मूव का कभी ट्राई मत करना भाई, वो प्रोफेशनल रेसलर है हम नहीं है भाई प्रोफेशनल, हम बस बैठ के वीडियो बना सकते हैं, मैं वीडियो बना सकता हूं, वीडियो देख सकते हो, वीडियो देखो एंजॉय करो भाई, अपने छोटे भाई बहन पे मत लगाना भाई ये मूव। छठे नंबर पे आती है बैक स्टैबर। अब देखो भाई बैक स्टैबर इतनी खतरनाक मूव है ना, हमें बेसिकली अल्बर्टो डेल रियो पहले दिल लगाते हुए दिखाई दिए, आप बेसिकली साशा बैंक्स भी लगाती हैं, कोई एस्केप नहीं है इस वाली मूव से, जिस बंदे पे लग रही है उसको एक्चुअल में स्पाइन पे फील होने वाला है, लेकिन हाँ एक छोटी सी गलती और जो बंदा ये लगा रहा है उसकी बैक पे लग सकती है, जिसको वो लगा रहा है उसकी बेसिकली चिन या फिर नेक टूट सकती है, उसकी स्पाइन टूट सकती है, लिटरली बहुत मुश्किल मूव है। और हाँ इस वाली मूव का जैसे मैंने आपको बताया कोई भी एस्केप नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है भाई ये वाली मूव अगर ढंग से ना लगाई जाए ना भाई बहुत सारी डेंजरस स्पॉट्स ये वाली मूव हमें दे सकती है। पांचवें नंबर पे आती है पेडिग्री। पेडिग्री क्यों डेंजरस है वो आपको बताने से पहले बेसिकली मेरे को आपको एक इंसिडेंट बताना है, बेसिकली 1996 में बेसिकली मैं आपको बता दूं ट्रिपल एच हमें पता है भाई बहुत सारे सालों से पेडिग्री लगाते आ रहे हैं, लेकिन हाँ 1996 में बेसिकली यहाँ पे हमें स्टोरी सामने आती है। बेसिकली उस टाइम पे ट्रिपल एच ने एक मूव लगाई थी, ये वाली अपनी पेडिग्री लगाई थी एक सुपरस्टार थे मार्टी गार्नर करके। अब उनको भाई पता नहीं था पेडिग्री एक्चुअल में एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, जब उन पे यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे पेडिग्री लगाई ट्रिपल एच तो उन्हें लगा भाई वो लगाने वाले हैं बेसिकली पावर बॉम्ब और बेसिकली उनको उठना है, तो उन्होंने अपने पीछे से पूरी यहाँ पे जो लेग्स हैं वो उठा दी, उन्हें लगा भाई ट्रिपल एच उन्हें खींचेंगे पावर बॉम्ब लगने वाला है, लेकिन भाई जिस तरीके से यहाँ पे ट्रिपल एच ने मारा भाई नीचे उनकी पूरे यहाँ पे नेक टूट गई थी, उनकी नेक में बहुत गंदा इशू आ गया था। मैं आपको बता दूं भाई अगर यहाँ पे पेडिग्री ढंग से नहीं लगाई जाती बहुत सारे सीरियस कंकशंस आ सकते हैं, बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बॉडी पे, नेक टूट सकती है, फेस टूट सकता है, नोज टूट सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और पेडिग्री का यही है भाई जैसे मैंने आपको बताया भाई कोई एस्केप नहीं है इस वाली मूव का, एक बंदे के यहाँ पे आर्म से जो आपके यहाँ पे हाथों में और उसका मुंह लगने वाला भाई नीचे, हाँ ये हो सकता है भाई ट्रिपल एच उन्हें यहाँ पे पकड़ सकते हैं, थोड़ा सा अपनी तरफ खींच सकता है उनकी आर्म्स को पकड़े, पर भाई वो कितना ही खींच लेंगे एट दिन लगना तो फेस नीचे ही है, तो भाई एक्चुअल में इस वाली मूव का बहुत ज़्यादा गंदा इंपैक्ट हो सकता है। अब चौथे नंबर पे आते हैं figure 4/figure 8। बेसिकली मैंने दोनों को एक ही नंबर पे डाल दिया, वरना भाई कमेंट में गालियां पड़ सकती थी भाई ये क्या करा भाई तुमने अपने स्पॉट बढ़ाने के लिए अलग अलग डाल दिया। भाई मैं आपको बता दूं दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर मूव्स है, लेकिन फिगर 8 का बहुत खतरनाक इंपैक्ट आता है। मैं आपको बता दूं काफी सारे यहाँ पे जो फिनिशिंग मूव्स ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ पे बेसिकली लॉक है, उसमें WWE सुपरस्टार ऐसा कर सकते हैं कि भाई ज़्यादा प्रेशर ना डाले, लेकिन हाँ ये वाली मूव्स में ऐसा नहीं है, इस वाली मूव में प्रेशर डलना है तो डलना है भाई, और ये मूव एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पेनफुल है, फिगर 8 एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पेनफुल है। आप देख लो भाई फिगर 8 जिस पे भी लगते ना शार्लेट वो ज़्यादातर यहाँ पे रिंग में सर्वाइव करता ही नहीं है, उसे टैप आउट करना पड़ता है। WWE जान कैसे बुक करती है क्योंकि भाई फिगर 8 में ज़्यादा बंदा यहाँ पे रह ही नहीं सकता कुछ टाइम तक, तो एक्चुअल में ये वाली मूव्स बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब तीसरे नंबर पे आता है सुपरप्लेक्स। बेसिकली सुपरप्लेक्स फेमस की गई थी रैंडी ऑर्टन के फादर बॉब ऑर्टन की तरफ से, ये वाली मूव एक नॉर्मल सुपरप्लेक्स है जो कि लगता है टॉप रोप से या फिर सेकंड रोप से, लेकिन हाँ ये वाली मूव एक्चुअल में बहुत डेंजरस है। काफी सारे लोग ये भी कहते हैं भाई कि जो मैट है जब मैट पे बंदा गिरता है तो नीचे स्प्रिंग्स लगे होते हैं, अब देखो भाई जो भी बंदे बैठ के लिख रहे हैं ना नीचे स्प्रिंग लगे होते हैं, भाई मैं चाहूंगा एक बार आप रिंग में जाओ और जाके एक सुपरप्लेक्स खा लो,
फटके हाथ में आ जाएगी भाई। सुपर ब्लैक्स कोई मजाक नहीं है, उस मैट पे स्प्लैश लगना, उस मैट पे बेसिकली आप कह लो स्लैम लगना कोई मजाक की बात नहीं भाई। वो वाला चाहे वो मैट हो चाहे उसके नीचे स्प्रिंग्स भी लगे हो, लेकिन हाँ वो वाला मैट पे कुछ भी यहाँ पे मूव खाना इतना आसान नहीं होता भाई। सुपर ब्लैक्स एक्चुअल में बहुत इंपैक्टफुल होती है। एक छोटी सी गलती आपकी नेक टूट सकती है, आप जिस पे मूव लगा रहे हो उसकी नेक टूट सकती है, आपकी स्पाइन टूट सकती है जिस पे आप मूव लगा रहे हो भाई उसकी स्पाइन पे, तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। तो भाई ये लिटरली बहुत डेंजरस मूव है। दूसरे नंबर पे आती है डीडीटी, और बेसिकली मैंने इसे दूसरे नंबर पे रखा है। इसे आप यही सोच के समझ सकते हो कि भाई डीडीटी कितनी खतरनाक मूव हो सकती है। आप इसे डीडीटी कह लो, वरना जो डीन एम्ब्रोस लगाते थे डर्टी डीज आप वो कह लो, बेसिकली इसमें भी कोई एस्केप नहीं है। आपका मुंह जाने वाला है आर्म के नीचे और आपका मुंह लगने वाला है मैट पे, कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। कुछ ये हो सकता है कि आप अपना मुंह थोड़ा सा बाहर निकालो, बट एक्चुअल में वो पता चलेगा भाई कि मूव हो चुके बॉच। लेकिन अगर आपको दिखाना है कि मूव बॉच नहीं हुआ, तो आपको एक्चुअल में अपने मुंह को नीचे लगाना पड़ेगा मैट पे फुल स्पीड पे, और यही रीजन है इस वाली मूव को इतना ज्यादा डेंजरस कहा जाता है। और ये वाली मूव जब भी लगता है ना भाई, ये बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होती है और बंदे के सीधा हेड पे लगती है। अब पहले नंबर पे आती है द लेजेंडरी मूव आरकेओ। बेसिकली ये वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक डेंजरस और डेकोरेटेड मूव्स में से एक है। लेकिन हाँ, इस मूव को डेंजरस ये नहीं बनाता कि भाई ये मूव ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इस वाली मूव को डेंजरस ये फैक्ट बनाता है कि रैंडी ऑर्टन कभी भी इसे नॉर्मल खड़े होकर नहीं मारेंगे। वो या तो किसी मूव को काउंटर करके मारेंगे, वरना वो इतनी वेलोसिटी से मारेंगे, इतनी स्पीड से मारेंगे कि भाई सामने वाले बंदे की यहाँ पे लाइफ पे बन सकती है, उसकी गर्दन टूट सकती है, लिटरली बहुत डैमेज हो सकता है भाई। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इवन बॉर्न को आरकेओ पड़ा था, मेरे ख्याल से हर किसी बंदे ने वो वाला आरकेओ देखा है, जब बेसिकली इवन बॉर्न लगाने जा रहा था शूटिंग प्रेस और बेसिकली रैंडी ऑर्टन उसे चेंज करके आरकेओ लगा देते हैं, और दूसरी मूव बेसिकली जब सेरोनीज अपने यहाँ पे कर्व स्टॉर्म के लिए जा रहे होते हैं और उसी टाइम पड़ जाते हैं आरकेओ। एक छोटी सी गलती, बहुत ज्यादा तेज उन्होंने पकड़ लिया उनकी गर्दन को, और उस टाइम इंपैक्ट आ गया, गर्दन लिटरली टूट सकती है। तो भाई यही कुछ मूव से जो एक्शन में बहुत ज्यादा डेंजरस है, और इन मूव से बहुत ज्यादा कुछ सीरियस कंक्लूजन आ सकते हैं WWE सुपरस्टार के ऊपर। तो भाई यही मैंने कुछ यहाँ पे मूव आपको बताई, सात मूव मैंने आपको बताई, बहुत सारी मूव्स मैंने, मुझे पता है बहुत सारी मूव्स मैंने छोड़ दी हैं, वो मैं इसके लिए उसका सेकंड पार्ट जरूर रहेगा। बाकी आपके दिमाग में और भी कुछ मूव्स आप नीचे कमेंट में प्लीज बता सकते हैं। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। मिलता है भाई लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।